इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में समझेंगे वो है व्हाई जुडिशियरी कैन नॉट लेजिस्लेट, क्यों जुडिशियरी लॉ नहीं बना सकती है, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझा और हमने प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशियरी को भी समझा। तो जब हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझा तो वहीं से हमें ये चीज क्लियर हो गया कि जितने भी ऑर्गन्स हैं एक स्टेट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन तीनों का जो फंक्शन है, जो एरियाज ऑफ वर्क है, वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तीनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हमने ये भी जाना कि अगर किसी एक ऑर्गन को एक से ज्यादा वर्क असाइन कर दिया जाता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मिसयूज ऑफ पावर। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई जुडिशियरी कैनॉट लेजिस्लेट, तो जो पहला आंसर आपका होना चाहिए वो होना चाहिए बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसे और भी ज्यादा इलाबोरेट कर सकते हो, तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है व्हाई जुडिशियरी कैनॉट लेजिस्लेट। पॉइंट वन, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। और सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है उसे आप डिफाइन कर सकते हो, और अगर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो उसके क्या आउटकम्स होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, उसे भी आप एक्सप्लेन कर दोगे। दूसरा पॉइंट, कोर्ट लैक द मशीनरी टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड इसेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कोर्ट्स के पास इसेंशियल मशीनरी नहीं है जिससे कोर्ट क्या करे, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके, और कोर्ट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज कोर्ट्स डू नॉट हैव द मशीनरी टू गैदर इंफॉर्मेशन, राइट। कि प्रेजेंट में हमें किस लॉ की आवश्यकता है। दूसरा, कोर्ट्स रिसर्च रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मैटर इज लिमिटेड टू द फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ पर्टिकुलर केस एंड टेंड्स टू बी सब्जेक्टिव। कोर्ट बेसिकली फैक्चुअल मैटर्स से डील करता है और बेसिकली कोर्ट में सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाया जाता है टू डील विथ एनी मैटर। इसलिए क्योंकि कोर्ट्स के पास प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है तो ये भी एक रीजन है कि कोर्ट्स लेजिस्लेशन का काम नहीं कर सकती है। तीसरा, कोर्ट्स हैव नो मींस टू ओवरसी एंड सुपरवाइज द सब्सिक्वेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। कोर्ट्स के पास अगेन इफेक्टिव मशीनरीज नहीं है जिनका यूज करके कोर्ट ये ऑब्जर्व कर सके कि क्या उनके डिसीजंस का प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। और कोर्ट्स रिलाई ऑन एडवोकेट्स फॉर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन विच मे रिजल्ट इनटू पार्टीशन अप्रोच। अब बेसिकली देयर इज हाई डिपेंडेंसी अपॉन द एडवोकेट्स एंड लॉ एक्सपर्ट्स। और जब आप किसी पर्सन के ऊपर हाईली डिपेंड रहते हो तो इससे क्या होता है, एक पार्टीशन अप्रोच एज रिजल्ट आपके सामने आता है। पार्टीशन अप्रोच मीन्स विच बिकम्स पॉलिटिकल, जो कि पॉलिटिकल हो जाता है। तो
तो ये भी एक रीजन है कि जुडिशरी का, कोर्ट का मच डिपेंडेंसी है अपने एडवोकेट्स के ऊपर, लॉ एक्सपर्ट्स के ऊपर, जिससे जो रिजल्ट होता है वो पार्टीशन अप्रोच में तब्दील हो जाता है. कोर्ट्स शुड डिसाइड व्हाट द लॉ इज एंड नॉट व्हाट द लॉ शुड बी. अब क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान किया गया है कि कोर्ट्स का ये काम है कि वो ये बताए कि लॉ क्या है, ना कि ये बताए कि लॉ क्या होना चाहिए. ये भी एक रीजन है. द कोर्ट्स कैनॉट एड वर्ड्स टू अ स्टैट्यूट और रीड वर्ड्स इनटू इट व्हिच आर नॉट देयर. कोर्ट जो है स्टैट्यूट में या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में किसी प्रकार से अपने तरफ से कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकता है. लाइक लेजिस्लेचर, कोर्ट्स डोंट हैव द मेथड्स और opportunities to reverse their orders by way of repeal or abrogation if they are found unworkable or require modification. तो जैसे legislature के पास ये power है कि legislature अपने द्वारा लाए गए laws को दोबारा से repeal कर सकता है, जैसा कि हमने 3 farmer bills के केस में देखा था कि जब government को इसका favor नहीं मिला और हर तरफ से इसका विरोध होने लगा, गवर्नमेंट को लगा कि इन तीनों एक्ट के कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होंगे और ये लॉज अनवर्केबल है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन तीनों एक्ट को वापस से दे लिया. तो ये चीज भी जुडिशरी के पास नहीं है कि जुडिशरी अपने डिसीजन को रिवर्स कर ले, रिपील कर दे. जुडिशरी अपने डिसीजन को रिवर्स कर सकती है लेकिन रिपील नहीं कर सकती. और ये भी जो पावर है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है. राइट. तो बेसिकली कोर्ट्स का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन का काम है, ना कि लॉ मेकिंग का काम है. इसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट इन वीके रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के भी केस में देखा था. नाउ एक केस है हमारे पास विच इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस देवकी नंदन अग्रवाल. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस देवकी नंदन अग्रवाल. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ईदर टू एनलार्ज द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन और द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि कोर्ट की ये ड्यूटी नहीं है कि कोर्ट स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन को, यानी लॉ बनाने के स्कोप को किसी तरह से एक्सटेंड कर सकती है, एनलार्ज कर सकती है, या लेजिस्लेचर के इंटेंशन को एनलार्ज कर सकती है कोर्ट. व्हेन द लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन इज प्लेन एंड अनएम्बिग्यूअस. अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन का लैंग्वेज अपने आप में क्लियर है, प्लेन है, अनएम्बिग्यूअस है, यानी वो ड्यूअल मीनिंग नहीं देता है, तो कोर्ट कैनॉट रीराइट, रीफ्रेम और रीकास्ट द लेजिस्लेशन. कोर्ट जो है रीराइट, रीफ्रेम या रीकास्ट नहीं कर सकती है लेजिस्लेशन को, इनएक्टमेंट को, फॉर द वेरी गुड रीजन दैट इट हैज नो पावर टू लेजिस्लेट. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेशन का पावर कोर्ट के पास नहीं है. द पावर टू लेजिस्लेट हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन कोर्ट. द कोर्ट कैनॉट एड वर्ड्स टू द स्टैट्यूट. कोर्ट जो है स्टैट्यूट में अपने तरफ से कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकती है इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर उस एड उस वर्ड का कहीं जिक्र नहीं है उस स्टैट्यूटरी प्रोविजन में. तो अज्यूमिंग देयर इज अ डिफेक्ट और एन ओमिशन इन द वर्ड्स यूज्ड बाय लेजिस्लेचर, द कोर्ट्स कुड नॉट गो टू इट्स एड टू करेक्ट और मेक अप द डेफिशिएंसी. कोर्ट्स ऑफ कोर्स अडॉप्ट्स अ कंस्ट्रक्शन व्हिच विल कैरी आउट द ऑब्वियस इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बट कुड नॉट लेजिस्लेट इटसेल्फ. हाँ, कोर्ट कंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उनके नेचुरल मीनिंग के बियॉन्ड जाते हुए लेजिस्लेचर के इंटेंशन को ड्रॉ जरूर कर सकती है लेकिन खुद से लॉ बनाने का पावर नहीं है जुडिशरी के पास. ठीक है, ये केस आप रेफर कर सकते हो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज देवकी नंदन अग्रवाल. अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है.
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू।